ऑडिशन के फाइनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक लकी विनर को चुनेंगे जो हमारी किड्स प्लस बेटर गर्ल होगी। शुरुआत 5000 कंटेस्टेंट से हुई थी, लेकिन घर बैठे हमारे दर्शकों की वजह से हमने फाइनली चुना है ये दो प्यारी लड़कियों को। तो आइए हमारे फाइनलिस्ट का स्वागत करते हैं। मेरे राइट साइड में है अरोर प्योरियल और लेफ्ट साइड में है मिरल कैंक्विट। कौन होगी वो लकी विनर? अभी वोट करें। अरोर के लिए एक दबाएं और मिरल के लिए दो दबाएं। स्टैंडर्ड एसएमएस रेट सप्लाइड है। कमान मनोन, मुझे वो वापस दो। लेकिन मैं भी फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। मनोन प्लीज, वो खत्म नहीं हुआ है, तुम उसे बिगाड़ दोगी। मैं मिरल को बोल दूंगी, वो सबसे अच्छी है। मेरा फोन वापस दो। मैं इसके लिए फिर से क्यों राजी हुई? चुप जाओ टिकी। चिंता मत करो, जानती हो अगर तुम मनोन को एक दिन संभालो तो किसी भी गुंडे को धूल चटा सकती हो। आलिया, तुम्हारे लिए बढ़िया खबर लाई हूँ। पता है पार्क में फोटो शूट चल रहा है। अभी एड्रियन पार्क में है, अभी इस वक्त। जैसा हम हमेशा कहते हैं। मैं उससे क्या कहूँगी? वही जो हमेशा कहती हो। मैं वो क्या है कि वही। बस करो। ये कौन है? उप्स, मैं इसके बारे में तो भूल ही गई। और ये कौन है? ये है मनोन, मॉम की फ्रेंड की बेटी। आज दोपहर ये मेरे साथ रहेगी। ओह नो, मैं बाहर नहीं जा सकती। हाँ हाँ, मैं समझ गई, तुम एक और हेल्प चाहती हो, है ना? नहीं, मैं बस उन्हें मना नहीं कर पाई। देखो, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस छोटी प्रॉब्लम को संभाल लूंगी। थैंक्स, पर मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये एक नन्हा फरिश्ता है। मनोन, बर्तन छोड़ो। यहाँ ज्यादा ही मेहनत कर रही हो। मुझे हमेशा मेरी बहनों को संभालना पड़ता है, जिससे मैं ऐसे फरिश्तों को संभालने में एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। वैसे तुम हो कौन? मैं हूँ रिस्पा की दुनिया की एक जादुई यूनिकॉर्न, जो एक खूबसूरत लड़की के वेश में रहती हूँ। मैं उन नन्हे शैतानों की इच्छाएं पूरी करती हूँ जो अच्छा बिहेव करते हैं। नहीं, तुम नहीं हो। क्या तुम सच में हो? ओके, चलो सभी पार्क में चलते हैं। ओके। जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। दर्शकों ने अपना फैसला दे दिया है और हमारी नई किड्स प्लस बेटर गर्ल है मिरल। उसने तो तुम्हें बुरी तरह हरा दिया। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम। इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम सिर्फ 5 लाख वोटों से ही तो हारी हो। वाइब्रेशन बहुत ताकतवर है, मैं उसका गुस्सा और उदासी महसूस कर सकता हूँ। मेरे अगले शिकार का कमजोर पल, मेरी अकुमा के लिए एक आसान शिकार। जीतना चाहिए था, मैं काबिल थी, खूबसूरत थी और सब कुछ थी, पर उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हाँ तुम्हें जीतना चाहिए था। मुझे जीतना चाहिए था। स्टॉर्मी वेदर, मैं हॉक मौत हूँ। वेदर गर्ल बनकर मैं तुम्हें उनसे बदला लेने की ताकत देता हूँ। बस तुम्हें मिराकुलस को मुझ तक पहुँचाना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ। ये हुई न बात वेदर गर्ल, दिखा दो दुनिया को सच में सबसे अच्छी वेदर गर्ल कौन है। चलो
हम ऐसे वॉक करते हुए जाएंगे, उसे लगेगा कि हम बस वहाँ से गुजर रहे हैं। और फिर फोटोशूट के बाद मैं उसे फ्रूट स्मूदी के लिए पूछूंगी और फिर हमारी शादी हो जाएगी। हम एक सुंदर से घर में रहेंगे, हमारे दो बच्चे होंगे, नहीं तीन, और एक डॉगी और एक कैट भी, नहीं कैट नहीं, एक हैमस्टर, मुझे हैमस्टर्स बहुत पसंद है। चलो शुरुआत करते हैं वहाँ से गुजरने की और फिर देखते हैं बार स्मूदी तक कैसे पहुँचती है। क्या बात है, जबरदस्त, अपने अंदर के जानवर को बाहर लाओ, कम ऑन। याद रखना कूल, हमें बस कूल रहना है। उसने नोटिस नहीं किया। ओके, एक बार फिर से चलते हैं। तुमने देखा, उसने मुझसे हाय कहा। हाँ मैंने देखा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मैं हूँ स्टॉमी वेदर, सिर्फ मैं ही हमेशा सही फोरकास्ट बताती हूँ, और तुम्हारी बदकिस्मती से अभी एक बर्फीला पहाड़ आने वाला है। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। झकास, जबरदस्त, जब तुम्हारी मम्मी खाना लेकर आती तब कैसा मुस्कुराता हूँ, कैसा मुस्कुराओ। ओह नो, खाना गिर गया, गुस्सा दिखाओ, गुस्सा दिखाओ मुझे, तुम किस तरह नाराज होते हो। शांत हो जाओ। चलो चलो स्वीटी, मैं तुम्हें गुब्बारा दिलाती हूँ। मुझे मैरिनेट के साथ जाना है। मैं इसके साथ जाती हूँ, मैं इसकी बेबी सिटर हूँ ना। पर एड्रियन का क्या? मिरर कहाँ है? उन सभी को जिन्होंने मिरर को वोट दिया, मेरी सलाह है कि अंदर छुप जाओ, भयानक तूफान आने वाला है। अरे नहीं, बहुत देर हो गई। अब चलो वापस चलते हैं। नहीं मनोन, अभी नहीं, देखो मुझे एड्रियन के पास जाना है, प्लीज। तुमने वादा किया था, तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगी, है ना? ओह प्लीज, ये डॉल जैसी मासूम आंखें नहीं, इन्हें देख के मैं ना नहीं कह सकती। दूसरा ले लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है तुम्हें एनर्जी खत्म हो गई है, तुम्हारे फेस पे और जोश दिखाओ और रोमांस। उसके लिए हमें चाहिए एक लड़की। तुम मेरे साथ आओ। कौन, मैं? मिस्टर एड्रियन के साथ फोटो खिंचवाना चाहती हो? मैं? मेरे ख्याल से मैं सही नहीं हूँ, मुझे ये एप्पल खा के एलर्जी हो गई है, तो मुझे पता है सही कौन है, मैं अभी आती हूँ। वहाँ एड्रियन के साथ फोटो खींचने का मौका मिल रहा है। सच में? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या, नहीं, मेरा मतलब हाँ नहीं। जाओ भी, किसकी राह देख रही हो? पर मनोन का क्या होगा? तुम जाओ और अपने प्रिंस चार्मिंग का ध्यान रखो, मैं इस यूनिकॉर्न का ख्याल रखूंगी। वैसे भी ये तुम्हारे बस की बात नहीं। बिल्कुल भी नहीं, मैरिनेट मेरी बेबी सिटर है। यकीन करो, यूनिकॉर्न एक हो गए हैं। चलो रिस्पा जाकर कुछ गरीब बच्चों को ढूंढते हैं और उनकी चाय पूरी करते हैं। तूफान का थोड़ा और मजा लेना चाहोगी? Take it,
हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं नींद में भी चीजें सुन सकता हूँ। ये मेरी कई खूबियों में से एक है। लेकिन फालतू बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। ब्लैक पंजे निकालो। मैंने मनोहन को क्यों छोड़ा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, आर्या सही थी, वो एकदम सेफ है। मुझे उस पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकालती हूँ। इस बर्फ को वायर से काट देते हैं। शायद नहीं, अब प्लान बी की बारी। घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैरिनेट कहाँ है? वो तुम्हें भूली नहीं है मनोहन। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैरिनेट ने मुझे बताया, वो जल्दी वापस आ जाएगी। ठीक है। हे आइस क्वीन, ऐसे डराने का क्या मतलब है? किसी बराबरी वाले से मुकाबला क्यों नहीं करती? मेरा नाम आइस क्वीन नहीं है, मैं हूँ स्टॉर्मी वेदर। सुनो, वो क्या है ना, आज मेरा मूड हमेशा से कुछ ज्यादा ही अच्छा है, तो मेरी बात मानो और झगड़ा खत्म करो। ओके? मुझे लगा कि कैट हमेशा अपने पंजों पर लैंड करती है। वैसे शुक्रिया लेडी बग, लेकिन मैं इससे निपट लेता। तुम्हारी बचकानी हरकतों के लिए टाइम नहीं है कैट नोआर। लेकिन यू आर वेलकम। हमें आधी तूफान के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे कि अभी। तुमने अपने लिए मुसीबत को बुलाया है। एक छोटा कैट नोर उसकी हवा निचोड़ लेगा। किटी किटी, सोच समझ कर छलांग लगा। तुम्हारे पास कोई प्लान है? तुम बस मेरे पीछे चलो। अब फिर से नहीं। चलो फिर से खेलते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। ये ठीक नहीं है, तुम हमेशा जीतती हो। वो क्या था? वो एक बहुत बड़ा गॉब्लिन किंग है, जो बहुत खाता है, उसकी शर्ट फट जाती है। तुम्हें कहानी सुननी है? तुमने सबको दिखा दिया कि असली विना कौन है, मेरी वेदर गर्ल। लेकिन अब सौदे का दूसरा हिस्सा पूरा करने का समय आ गया है, और ये रहा मेरा प्लान। शायद वो अपना पुराना गुस्सा निकाल रही है, या शायद वो ड्राइविंग टेस्ट में पास नहीं हो सकी। हेलो दर्शकों, गर्मी के इस पहले दिन के लिए ताजा फोरकास्ट है। लगता है धरती माँ ने प्लान बदल लिया है, गर्मी की छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं। और सच में, लेकिन मैं स्विम सूट में कितना अच्छा लगता हूँ। अभी के लिए कैट सूट सही है, थैंक्स। कम से कम अब हम जानते हैं कि उसे कहाँ ढूंढना है। अब तक के सबसे खराब मौसम के लिए तैयार हो जाओ। किसी चाहिए? ये मुझे किसी की याद दिला रही है। वही है, शायद अकुमा ने इसे कंट्रोल कर लिया है।
स्टॉर्मी वेदर की दुनिया में हमेशा ही खुशनुमा सर्दी बनी रहती है। तो ये एक रिकॉर्डिंग है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। जल्द ही मिराकुलस मेरी हो जाएगी। उन्हें मेरे पास लेकर आओ। फ्रॉस्टी स्नोगल हाथ से निकल रही है। क्या मैंने अभी तुम्हारी चीख सुनी? हर कोई रात में नहीं देख सकता। परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। फिर उस राक्षस ने राजकुमारी को हाथों में उठा लिया और उससे कहा, मेरी आँखों में देखो। फिर राजकुमारी ने उसकी आँखों में उंगली डाल दी। जैसे ही उसने उस शापित आलू को खाया, बेचारी राजकुमारी बहुत गहरी नींद में सो गई। जल्दी करो लेडी बग। ओके, अब हाथ छोड़ दो, यहाँ से मैं संभाल सकती हूँ। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारे पीछे चलती हूँ। बेवकूफों, तुम आसानी से मेरे जाल में फंस गए। यही समय है, मिराकुलस को मेरे पास ले आओ। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, खेल खत्म हुआ। हमने बस शुरुआत की है। स्टॉर्मी लकी चार्म। एक बाथ टॉवल, इसे मैं कैसे इस्तेमाल करूंगी? बढ़िया, तो हमारी धुलाई होने वाली है, पर हम भीगेंगे तो नहीं? अपना मुंह बंद करो। बर्फ गिराओ। तो अकुमा को हराने का क्या प्लान है? मेरे हाथ दुख रहे हैं। वो जो निशान है उसे चेक करो। ठीक है। कैराक्लिज्म। हे बर्फीली लड़की, बस क्या इतना ही कर सकती हो? अब बाहर निकलो बुरे कीड़े। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिराक्युलस लेडीबग। और 3 सिरों वाले ड्रैगन को हराने के बाद जो ट्राइक्वांडो से थे, राजकुमारी ने राजकुमार को किस किया और वो साथ में खुशी से रहने लगे। यकीनन, जब तक उन्हें तुम जैसे परेशान करने वाले फरिश्ते नहीं हो जाते तब तक। मैं यहाँ ऊपर क्या कर रही हूँ? कर दिखाया। एक दिन मिराकुलस पर मेरा कब्जा होगा। परवाह नहीं चाहे कितने ही दुश्मनों को तुमसे लड़ाना पड़े, लेकिन मैं जीत कर रहूंगा। फोटोग्राफर और एड्रियन तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता देर हो चुकी है? कम ऑन मैरिनेट, तुमने मैनॉन को बचाया और सारी दुनिया को भी। थोड़े मजे करो मैरिनेट। तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया। क्या? कौन सा
कैट। लेडीबग तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए दोनों को पता होता है कि दूसरी क्या करने वाली है। क्या मैं लॉलीपॉप ले सकती हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं मनोन, अभी मुझे एक जरूरी काम करना है। आलिया तुम इसका ध्यान रखोगी? मैं फोटोशूट के लिए तैयार हूँ। रुको, वो कौन है? एक परी? क्या बात है, मजेदार, फैंटास्टिक, अमेजिंग, जीत लिया।